जो डोरा थी कि लाली बना पे शासन बना तो उनको नहीं बनाया, पार्टी की गलती। तो मतलब आपके विचार से मोहन यादव को सबसे मुख्यमंत्री नहीं साबित होना चाहिए। जो आदमी अपने आप को बेरोजगार मानता है, मैं जानता हूँ उसके जीवन में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो बढ़ी है। कल को मजदूर 200 रुपये में काम करता था, आज कोई मजदूर 400 रुपये में काम करता है। कल को गेहूँ 2000 रुपये क्विंटल था, आज 2500 रुपये क्विंटल। तो किसान के लिए भी बढ़ा है, मजदूर के लिए भी। चीनी देते नहीं है, नमक देते नहीं है, गेहूँ कौन महीना में देते नहीं देते। कांग्रेस ने बना पाई कि बीजेपी सरकार बनाएगी, बना नहीं सकती बनाएगी। भाजपा जीत जाती दरवाजे से हम बाहर नहीं निकल पाते, मतलब हार जाती भाजपा। हमारे यहाँ जो कांग्रेस जीत इतने डंडे ले रहे आते पूरे रोड से। लोकसभा चुनाव 2024 में कई मुद्दों पर बात कर राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार लोकसभा में 400 से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को काउंटर करने के लिए न्याय गारंटी दे रही है। तो चलिए लोकसभा चुनाव को लेकर एक छोटा सा सर्वे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है। 2024 देखिए, लाली योजना योजना तो हमारे मध्य प्रदेश तक सीमित रहेगी। आम जनमानस, आम व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि हम देश की सरकार को चुनने वाले हैं। देश का कोई ऐसा मुद्दा जो सरकार को प्रभावित करेगा, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके जनता त्रस्त है। सरकार महंगाई को लेके कोई कार्य नहीं कर रही है, आपको ऐसा लगता है? ये तो गलत है, महंगाई की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नहीं तो वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया आपको? काम तो सब अच्छे करेंगे। आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? जी सर, महंगाई ज़्यादा है। कुछ सरकार से कुछ शिकायतें हो आपको कि आपने आपके महंगाई का नहीं करी, कोई महिलाओं ने कुछ नहीं किया? यहाँ देते हैं कोटा पे तो चीनी देते नहीं है, नमक देते नहीं है, गेहूँ कौन महीना में दे देते हैं, नहीं देते हैं। तो सरकारी राशन देते हैं। तो मोदी जी से क्या शिकायत है आपने? खराते ये कोटा चले जाओ, कोटा हम तो बाहर सागर में जाएंगे। अब बोलते हैं सब जगह मिलेगा, नहीं मिलता है। मोदी जी से क्या शिकायत है? क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? आपको लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? अब हम जाना तो नहीं आए बात कर है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको रास्ता। आपको क्या लगता है उस मुद्दे पर कि व्यक्ति और 400 पार जाएगा? ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है ऐसा जो आपको? सर मुझे नहीं। तो क्या शिकायत है सरकार को आपको इससे, किस मुद्दे पर आपको लगता है कि सरकार फेल है? सरकार ऐसी फेल हो रही है ना, देखो आप जगह जगह पेपर लीक हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल वन। तो पूर्व सरकार ने मतलब शिक्षा और रोजगार को लेके कोई कार्य नहीं किया, ऐसा आपको भी लगता है? एक आम जनमानस को वर्तमान सरकार से शिकायतें भी हैं कि रोजगार और युवाओं के लिए खासकर, जैसा कि अभी हम आम मतदाता से जिस बारे में राय ले रहे हैं, तो बहुत सी बातों में महंगाई का मुद्दा भी उठ रहा है, रोजगार का मुद्दा भी उठ रहा है। और आइए इनसे बात करते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? रामधुर भैया, आप बता सकते हैं कि अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होना है, आपको लगता है जो वर्तमान में सरकार थी और अब जो चुनाव के बाद परिवर्तन की जो लहर चली है, हो सकता है कि नई सरकार बने, पुरानी सरकार ना बने? हमें तो नई
सरकार जो चाहिए हमें, जो चल रही है मोदी सरकार वो ही चाहिए हमें। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है? ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखिए महंगाई ना कल की ना आज सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो बढ़ी है। कल को मजदूर 200 रुपये में काम करता था, आज कोई मजदूर 400 रुपये में काम करता है। कल को गेहूँ 2000 रुपये क्विंटल था, आज 2500 रुपये क्विंटल। तो किसान के लिए भी बढ़ा है, मजदूर के लिए भी बढ़ा है। लेकिन आम लोग, आम मतदाता का कहना है कि सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर रोजगार काम किया, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। देखिए जो धर्म के लिए किया वो धर्म के लिए किया, वो रोजगार के लिए। आज की कंडीशन में ये है कि कोई बेरोजगार नहीं है। आज अगर आप मजदूर के लिए जाओगे तो आपको मजदूर मिलना मुश्किल है। तो अगर बेरोजगारी होती तो मजदूर नहीं होते। आज देखिए अपन कोई भी काम कराते हैं, कल जाते रहे जो पुरानी सरकार थी उस समय तो मजदूर लाइन लगा के खड़े हुए होते थे, क्यों? क्योंकि काम नहीं था। और आज इतना काम है कि आज आपको मजदूर नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से वर्तमान सरकार ने जो भी कार्य किए वो सब अच्छे किए? मेरे हिसाब से सब अच्छे। तो फिर अब जो राहुल गांधी जी ने गठबंधन, एक बात आपसे, आपके पास कहना है कि वर्तमान सरकार देश के संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है, तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पे भी कुछ हो सकता है आगे? देखिए नई सरकार और पुरानी सरकार के सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मोदी जी ने काम किया है तो बहुत अच्छा ही। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस मुद्दे पर जैसे भैया ने आज बोला कि अभी वर्तमान सरकार से भी काफ़ी संतुष्ट हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? और भाई जैसे आपको लगता है अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं कि आप शिकायतें हैं? भैया पूरे पूरे संतुष्ट हैं, हम तो ये चाह रहे हैं किसान 400 पार आए। नारा भी दिया है मोदी ने अब की बार 400 पार, कन्फर्म है 100% है भाई। तंगी इतनी खराब थी पहले के समय में, कांग्रेस के समय में, कि बेरोजगार ही बेरोजगार मिल रहे थे। आज के समय तो हर एक आदमी के पास रोजगार, कुछ ना कुछ रोजगार से जोड़ा है। जो आदमी अपने आप को बेरोजगार मानता है मैं जानता हूँ उसके जीवन में धिक्कार है। काय का समय इतना बेरोजगार, कुछ बेरोजगारी है ही नहीं आज के समय। और आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगता है कि सरकार ने अच्छे काम किए? शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वही मोदी साधन है जो अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा मानो मोदी साधन से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शिक्षा पर बहुत फोकस करो आज। देखिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं होगा तो आम जनमानस शिक्षित नहीं होगा तो फिर वो रोजगार कैसे पैदा करेगा? ये उसमें मेरा तो यही कहना है कि शिक्षित तो होना चाहिए, सब सब हो शिक्षित, आठवीं तक भी पढ़े, बारहवीं तक भी पढ़े, जितना पढ़ना है पढ़े, मनो काम भी साथ साथ हो, क्योंकि काम नहीं करेगा तो आदमी पढ़ेगा कैसे? काम भी जरूरी है उसके लिए। देखना आपकी धान 400 पार आएगी, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। आपने देखा कि भैया के हिसाब से कि अब की बार 400 पार का नारा जो वो दे रहे हैं उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं जिनसे से बातचीत। क्या लगता है आपको अब की बार 400 पार का नारा जो कहा जा रहा है वो सच होगा? क्यों लगता है ऐसा आपको? क्या आपको लगता है सरकार ने ऐसे कोई काम किए जिससे आपको लगता है कि अब की बार 400 पार की सरकार ने बहुत काम करेगी, देश ने भी अच्छा कर लिया और आएगा। राम मंदिर से संबंधित जो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आपको लगता है ये मुद्दा बीजेपी को कहां तक फायदा देगा? राम मंदिर से देश के लिए खुशखबरी की खबर है और उसका काफी अच्छा असर पड़ेगा, बहुत बढ़ेगा। राहुल गांधी जी का गठबंधन कितना प्रभावित कर पाएगा इस चुनाव? तो बात ही नहीं करते आगे वाले। राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान सरकार को कितना फायदा पहुंचाएगा, इस विषय में भी हम लोग आम मतदाता की राय जानते हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन से सरकार को वर्तमान में बीजेपी को कितना फायदा होगा? लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते ही 22 जनवरी के दिन तारीख रखी गई थी, क्या आपको ऐसा लगता है? और आपको ऐसा क्या लगता है? लाउड थोड़ी जोर से, जोर से बोलिए। कौन सी उपलब्धि है जो आपको लगता है कि सरकार को या सरकार आना चाहिए? माइक पास कीजिए। ये जा रहा है आपका भी हाथ से। आज मुंबई का महंगाई को लेकर तो सरकार को लोग दे रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। महंगाई है तो
शिवराज सिंह जी अच्छे मुख्यमंत्री थे, चंद्रमोहन यादव अच्छे मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह जो आज कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ सब काम अच्छा करा हुआ है, और दूसरी बात ये भी रहा है तो हर चीज़ों में सहयोगी बहुत करा है, हर रोटे बोटे हर गाँव के लिए सब चीज़ें की वजह से बढ़िया बनाई, और यहाँ तक हम तो कहते हैं बीजेपी आज भी अच्छी। यदि शिवराज सिंह अच्छे काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया? नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया आपकी व्यक्तिगत राय के हिसाब से? ऑटो के बारे में बोल दो। नहीं, ये चीज़ तो हमको जानते हैं नहीं, वैसे आप ठीक है होता जाइए। चलिए आप इस मुद्दे पे हम और भी बातचीत करते हैं, आपको क्या लगता है शिवराज सिंह जी को इतना अच्छा काम करने के बाद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये बात तो वही बताएंगे भैया से पूछते हैं, आपको लगता है शिवराज सिंह को अच्छा कार्य किए कभी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये पार्टी की गलती है सबसे बड़ी, ये जो शिवराज सिंह की लाली बना शासन बना तो उनको नहीं बनाया, पार्टी की गलती। तो मतलब आपके विचार से मोहन यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं साबित हो? क्या अभी तो उनको चार महीने हुए बैठे हुए, आपको लगता है चार महीने का समय उनको दिया है तुमने? तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी सरकार आने वाली है वो सही काम करेगी नहीं करेगी? सही काम तो ये नहीं है, कुछ अच्छे गुना बताइए जो बीजेपी शाम मतलब बीजेपी ने सभी अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया यहाँ पे अभी निकलना है? कौन सा काम निकलता है क्या मतलब ये घोटाला हुआ है आपको मुझे पता होगा, ये मतलब आपको लगता है कि ये धब्बा लगा चुका है वहाँ का भाड़ा क्या है? ये तो राजनीति का है, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस दावा कर रही है सरकार में अपना बनाने वाला तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने बना पाई कि बीजेपी सरकार बनाई शक्ति बनाएगी, पूरा विश्वास है इस बार 400 पार होने वाला, 400 पार होगी इस बार, मोदी जी आएंगे इस बार। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी को ही देख रहा है सब कुछ, तो भाई कैंडिडेट को भी खड़ा हमारे साथ दादा ही जुड़े हुए हैं, तो दादा बात कर रहा, दादा से बात करते हैं, तो आप अब बताइए दादा क्या मतलब क्या लगता है कि मोदी जी इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे? देखो भैया दुनिया देख रहा हूँ सिर्फ मोदी चमत्कार करे, अब तक कोई नेता नहीं कर पा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पा। वो आपको पता होगा ये लद्दाख का मीटर, आपको पता होगा लद्दाख में क्या है कि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी गरीबों को भला, गरीबों को ध्यान रख रहे हैं पूरा, है ना? हमारे यहाँ कितने मामले आते हैं कि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत मामले आते हैं मारपीट का हो गया, करप्शन का हो गया, हमारे यहाँ बहुत मामला आते हैं, तो सब क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक बातें हैं, पूरी गुंडागर्दी खत्म हो गई, भाजपा मतलब हम जहाँ रहते ना यदि कहूँ भाजपा जीत जाती दरवाजे से हम बाहर नहीं निकल पाते, मतलब हार जाती भाजपा, तो हमारे यहाँ जो कांग्रेस जी ने इतने डंडे ले गए आज थे पूरे मोर्च पर। तो ये आप बता रहे हो 1998 और 95 के बाद बता रहे हैं क्या? ये आप उस टाइम का बात बता रहे हैं क्या? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब दंगल आ करती थी, तो आइए चलते हैं इससे बात करते हैं हमारे, आप बताइए अंकल क्या लगता है इस बार जीतेगी यार बीजेपी सरकार ही जीतेगी, क्योंकि काम भी तो उनके अच्छे हो रहे हैं, जगह जगह जिन सड़कों में खुद बैठे थे वो तो सड़कें पूरी हो रही, जहाँ पानी भरा जा रहा था बारिशों में वहाँ की अच्छी सड़क बाकी अच्छे अच्छे काम करवा रहे, गरीबों को राशन मिल रहा बराबर फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए तो अब आपने अभी हमने देखा कि एक आम मानस एक आम मतदाता वर्तमान से और आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, आने वाली सरकार को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कितना कार्य करने की आवश्यकता है, एक बेरोजगार व्यक्ति सरकार से कुछ नहीं चाहता है, उसे धर्म और जाति आधारित मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके मेन मुद्दा उसके लिए रोजगार अपने बच्चों के भविष्य अपनी शिक्षा ही उसकी ज़रूरतें हैं। तो हम आने वाली सरकार से चाहे किसी भी दल की हो किसी भी विषय से किसी की भी सरकार बनेगी हमारी उसकी यही कोशिश है कि वो सरकार शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी ध्यान दें ताकि एक आम जनमानस एक आम मतदाता को एक गरीब आदमी को छोटे व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिले। मेरे साथ बने रहिए
और हमारे चैनल को। इसी तरह हम आपको लोकसभा चुनाव से संबंधित आम मतदाताओं की राय से अवगत कराते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए द खबरदार न्यूज़ पे। मैं कैमरामैन लखन सिंह के साथ मैं अमित आया। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद हो चुका है और जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन एनडीए के एक दशक पुराने किले को ढहाने की जुगत में है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन कई जगह सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। यही नहीं, कई दफा इंडिया गठबंधन की अंतरकला सार्वजनिक मंच पर सामने आ चुकी है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बड़ा मसला है। आशा करते हैं हमारे द्वारा पेश की गई यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।